नमस्कार दोस्तों। और लॉकडाउन में दिन कैसा कट रहा है भाई? मेरा दिमाग तो पूरा खाली रह रहा है और इस खाली दिमाग में बहुत सारे खुरापाती आइडियाज आ रहा है। तो वीडियो बहुत दिन के बाद आया है, तो आज मैं क्या करने वाला हूँ आप देख सकते हैं। मग लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया और इसमें मैं डिटर्जेंट पाउडर डाल रहा हूँ, यानी सोडियम कार्बोनेट से मैं डाल करके अच्छे से मिला देता हूँ। और हम लोग करने क्या वाले हैं, जो फोम होता है उसे मैं फ्रिज में जमा करने वाला। मुझे फ्रेंड्स कुछ आइडिया नहीं है कि भाई इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा, फालतू हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैं पहली बार आपके आंख के सामने मैं इसे लाइव ट्राई कर रहा हूँ। मुझे भी नहीं मालूम है फ्रेंड्स, लेकिन वीडियो को जरूर देखते रहना, क्योंकि वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम लोग पहला बार कुछ ऐसा काम करने जा रहे हैं। तो अब मैं इसे फोम को एक प्लेट में निकाल लेता हूँ अच्छी तरीके से, ताकि मैं फ्रीजर में रखूँ तो कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं भाई, एकदम क्रीमी क्रीमी जैसा बहुत मस्त लग रहा है देखने में। फ्रेंड्स वीडियो बहुत दिन के बाद आया, इसलिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। फ्रेंड्स रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, जिसमें इतना लॉकडाउन होने के बावजूद भी। सो मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ वीडियो जल्दी डालने का। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। मैं रेगुलर वीडियो डालने का पूरा कोशिश करूँगा। अब मैं यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करता हूँ, अपने फ्रिज को खोल लेता हूँ और उसमें मैं फोम को रख देता हूँ। 2 घंटे तक का इंतज़ार करते हैं फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स अभी 2 घंटा हो गया है। अब मैं इसे वापस खोलता हूँ तो क्या देखता हूँ, जमा हुआ डिटर्जेंट पाउडर। ओ भाई, और जब मुझे मालूम नहीं है भाई जमा हुआ डिटर्जेंट पाउडर है कि क्या है, कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैमरा से क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए ब्राइटनेस कम किया हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एकदम डिटर्जेंट जम गया, जो डिटर्जेंट पाउडर पूरी तरह से जम गया है। इसके अंदर जो पानी का छोटा छोटा ड्रॉप होता है वो भी जमा हुआ है। दोनों फ्रेंड्स एकदम मिक्स हो गया, हल्का एकदम धूल जैसा छूने में लग रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ही भाई ये ठंडा है। मतलब आप क्या भाई, फोम से डायरेक्ट ये डिटर्जेंट बन गया। आप देख सकते हैं इसके अंदर डिटर्जेंट का मात्रा कम है, लेकिन ये जो वाटर होता है वो इसमें जमा हुआ है। अब आप देख सकते हैं हल्का सेमी सॉलिड हो गया, मैं इसे मिला लेता हूँ। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स ये पूरा फोम था। अब देख सकते हैं ये पूरा फोम ये इस तरीके का बदल गया फ्रिज में डालने के बाद। आप देख सकते हैं, अब थोड़ा देर मैं इसे और छोड़ता हूँ रूम टेम्परेचर पे, तो आप देख सकते हैं पूरा लिक्विड हो गया, यानी डिटर्जेंट पाउडर एक तरह से पूरा लिक्विड हो गया। क्यों लिक्विड हुआ? क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा जमा हुआ पानी था, यानी आइस था, वो पिघला, और इसके अंदर थोड़ा सा सर्फ तो था ही, वो पानी के साथ घुल गया और ये बन गया। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी होगा कुछ लोग के लिए, कुछ लोग के लिए महा बोरिंग भी होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें। चैनल को यार जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे जरूर क्लिक कर देना, और जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड्स इस वीडियो को शेयर करना पूरे प्लेटफॉर्म पे, ताकि लोग मुझे जान सकें। और इसी तरह से आप मुझे सपोर्ट करते रहना, जल्दी जल्दी वीडियो डालने का पूरा कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।